बता रहे हैं मसालेदार हरी मिर्च। इसे आप दाल सब्जी के साथ खा सकते हैं। सबसे पहले आप इन्हें धोकर साफ़ कर लें और बीच में से चीरा लगा लें। इस तरह डंडी नहीं हटानी है, सभी में हम ऐसा काट लेंगे बीच से और अच्छे से सबको बीच में से काट लेंगे। अब पैन लेंगे, उसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे। अब इसमें हींग डालेंगे और आधा चम्मच जीरा डालेंगे और जीरे को तड़कने देंगे। अब आप इसमें सौंफ पाउडर डालेंगे एक चम्मच, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच लाल मिर्च। ये मैंने नमक लिया है। अब मसाले को अच्छे से भून लेंगे, चलाते जाएंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए मसाले का। और ये अच्छे से भूनने लगा है, देखिए अच्छे से भून जाए। अब इसका कच्चापन निकल जाएगा, आप इसमें हरी मिर्च मिलाइए और चलाते जाइए। हम इसको अच्छे से चला लेंगे, मिला लेंगे ऐसे, इसमें अच्छे से मसाला ऑब्जर्व हो जाएगा। आप देखिए ऐसे मिलाना है, देखिए। अब आप ये ऐसे चलाते रहें ताकि नीचे से लगे नहीं। जब ये अच्छे से मिल जाए, आप इसे थोड़ी सी देर के लिए ढककर रख दें, एक मिनट के लिए ढक दें। अब मैं इसमें, एक मिनट हो गई है, थोड़ा सा मैं इसमें नींबू का रस डाल लेती हूँ ताकि खट्टापन आ जाए हल्का सा। किसी को नहीं पसंद तो ना डालें। मैंने इसमें नींबू का रस मिलाया है। अब देखिए आप ये तैयार हो गई हैं। अब हम इन्हें सर्व करते हैं। किसी के साथ भी आप इसे खा सकते हैं, दाल सब्जी या किसी के साथ पराठे।